हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ आ पिकअप कार्ड रीडिंग। जो आपके जो एंजल्स का जो मैसेज है आपके लिए, वो क्या मैसेज है ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और मुझसे कहा जा रहा था कि प्लीज़ एंजल्स मैसेज के लिए एक रीडिंग कीजिए। सो मैंने ये क्विक रीडिंग किया है। सो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगी कि ये जो रीडिंग है जो मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग है कि जो हमारा जो लॉकडाउन हो गया है उसके बाद जो अब जो हमारे लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं, तो उन पर हमारी जो गाइडेंस है, जो एंजल्स हैं, उनके क्या मैसेज हैं हमको, और जो हमारे जो करियर या फिर हमारा जो भी हमारा वर्क या फिर लाइफ का जो पर्पस है, वो चीज़ें क्या आएंगी हमारे लिए, क्या चेंजेस होंगे और उनके क्या मैसेज हैं, क्योंकि इस टाइम पर बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो हमारे एंजल्स हमको क्या गाइड करना चाहते हैं, वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, सो हम ये जानेंगे। सो मैं यहाँ पर 3 पाइल रेडी करूँगी और आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। सो दिस इज ये पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 है। और जो कार्ड्स हैं वो मैं आपको डायरेक्टली रीडिंग के टाइम पर ही मैं इनको पिक करूँगी और एंजल का मैसेज आपको चैनलाइज करूँगी। सो मैं यहाँ पर इजीनेस के लिए ये मैं सिंपल सेट ऑन कर देती हूँ। आप चूज़ कर सकते हैं फर्स्ट पाइल 1 एंड पाइल 2 दिस एंड पाइल 3 सिंपल ओम दिस। सो आप इनमें से कोई सा भी पाइल चूज़ कर सकते हैं और आपके जो मैसेज हैं, एंजल्स आपको जो मैसेज देना चाहती हैं इस टाइम पर, जिस टाइम पर वह काफ़ी सिचुएशन काफ़ी डिप्रेसिव है या फिर हम कहीं ना कहीं बहुत आइसोलेशन में और बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत चेंजेस होने वाले हैं, वो इकनॉमी को देख लें या फिर हमारे नेचर को देख लें, जो एक ह्यूमन नेचर है वो चेंज होने वाला है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, एंजल्स के मैसेज क्या हैं, हम इसमें जान लेते हैं। सो आई होप गाइज, आप अगर आप इसको पॉज भी कर सकते हैं अगर आप अभी चूज़ कर रहे हैं कोई भी पाइल, और रीडिंग का जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप जो भी पाइल चूज़ करेंगे आप डायरेक्टली उस पर जाकर अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी फर्स्ट से। सो मैं इनको अभी इधर कर देती हूँ, पाइल 2 एंड पाइल 3 को। सो पाइल 1 आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेज हैं। पाइल 1 के लिए जो फर्स्ट है, दिस इज टेंट ऑफ वॉन्ड। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टेन ऑफ वॉन्ड से क्लियरली मैसेज आ रहा है आपके पास कि आप को जो आपकी जो हार्ड वर्क है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, या तो आपका कोई रिजल्ट आने वाला है या फिर आपकी नई जॉब जो है, जो पुरानी स्किल्स जो थी आपके अंदर उसकी वजह से आपको नया प्रमोशन या नई जॉब की आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है क्योंकि आपने जो भी वर्क किया है और आप उसको सोच रहे कि वो वेस्ट चला गया है शायद, क्योंकि अब ये चेंजेस आ गए हैं, अभी लॉकडाउन हो गया है, मैं उसको यूटिलाइज़ कहाँ करूँगा या मैं उनको यूटिलाइज़ कहाँ करूँगी या फिर उन वर्क उससे अब मुझको क्या प्रॉफिट होने वाला है। सो आपको हार्ड वर्क का, आपके जो आपको बर्डन लग रहा था और जो आपको ऐसा लग रहा था कि उसका कुछ फ्रूट नहीं मिला, वो आपको मिलने वाला है इन अपकमिंग मंथ। आपको उसका उसका रिजल्ट मिलेगा और वो भी बहुत पॉजिटिव। हो सकता है कि आपके पास कोई कॉल लेटर भी आ जाए, या अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सो आपका रिजल्ट जो आएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। सो डोंट वरी एट ऑल, आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज आया है। साथ में जैसे आपके पास आया है 6 of Cups, सो यहाँ पर मैं बताऊँगी कि आप बहुत ज़्यादा अपने किसी पार्टनर को या फिर अपनी मेमोरीज़ को मिस कर रहे हैं, और वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भी हो सकता है, तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जो आपके डेज थे जिनमें आप एक साथ अपने कलीग्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ या अपने लाइफ पार्टनर रिलेशनशिप में जिसके साथ हैं उनके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करते थे या फिर उनके साथ मिलने जाते थे, घूमने जाते थे, तो आप उसको मिस कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और ये इस वजह से आप जो अपनी ओल्ड मेमोरीज हैं उनको सोच रहे हैं इस टाइम पर। सो दिस इज़ अ कार्ड फॉर योर इमोशंस एंड जो आपने जो मेहनत करी है उसका आपको फल मिलेगा। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं, वो हम इन कार्ड से जान लेते हैं। सो
सो लेट्स सी आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है. दिस वन एंड दिस. मैं इस कार्ड को इधर रख देती हूँ क्योंकि ये पाइल टू एंड पाइल थ्री के लिए है. ये ऐड कर देती हूँ इधर. नाउ लाइफ पर्पस. अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस टाइम पर आपके जैसे करियर में काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं और आगे अब क्या होगा, कौन सा करियर ज़्यादा बेस्ट होगा या फिर कहाँ किस डायरेक्शन में आपको मूव करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को लेके या इकनॉमी को लेके, और अगर आप अपने स्टूडेंट हैं तो आप किस कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि लाइफ में अब जो चीज़ें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो करियर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं. जो हम जैसे हम जी रहे थे उससे हम अब थोड़ा अलग जीना स्टार्ट करेंगे. सो देख लेते हैं कि आपके लिए करियर के लिए क्या क्या ऑप्शंस आए हैं, करियर में आप क्या क्या कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्प करेंगे. सो ये इट इज. सो फर्स्ट कार्ड देखते हैं न्यू बिगनिंग. बिगिन योर न्यू लाइफ. सो आपके लिए एक ही न्यू बिगनिंग का मैसेज आया है एंजल का, और एंजल्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है. सो आप अपने जो भी चीज़ें जो पुरानी थी, जैसे आप पुरानी मेमोरीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस हैं और बहुत सोच रहे हैं या फिर डिप्रेसिव हैं, वो सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपने मेहनत करी थी, जो आपकी पुरानी मेमोरीज़ हैं उनके बाद अब आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है. अ न्यू बिगनिंग योर न्यू लाइफ. सो आपकी एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है इस लॉकडाउन के बाद. इस लॉकडाउन को ख़त्म होने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगी, एक नई तरीके से स्टार्ट होगी. एंड लेजेंड्स. लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू. सो दिस इज द कार्ड जो एंजल्स आपको बोलना चाह रही हैं, और वो यही कहना चाह रही हैं इस कार्ड से कि आपके जो जिनसे जो आपके रोल मॉडल हैं या फिर आपके कोई ऐसे कोई पर्सन है जो आप जिनसे एडवाइस लेते हैं या आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इंस्पायर करते हैं कहीं ना कहीं, वो आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं या आपकी कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको जो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, कोई सेलिब्रिटी हो, आप उनको मानते हो, तो आपको उनसे हेल्प लेनी चाहिए. बेसिकली उनसे इंस्पायर होना चाहिए और अपनी न्यू लाइफ को अकॉर्डिंगली स्टार्ट करना चाहिए. सो समथिंग लाइक कि अगर आप किसी से एडवाइस लेते हैं और एक जो इंस्पायर भी करते हैं जो आपको, तो आप उस एरिया में आप अपना फोकस कीजिए. सो आपको एक इंस्पिरेशन मिलने वाली, जो आपको इंस्पायर करते हैं आपको उनसे एडवाइस लेनी है, आपको उनसे सीखना है. अगर आपके अप्रोच में वो नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी है या फिर एम बहुत ही बड़े एक ऐसे बिजनेसमैन है जो आपके अप्रोच में नहीं है, रीच में नहीं है, आप उनसे बात नहीं कर सकते, तो लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू. तो उनसे आप सीखें जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें स्टार्ट की हैं, जिस तरीके से उन्होंने न्यू स्टार्ट की थी कोई भी बिजनेस या कुछ भी, या फिर उन्होंने अपने करियर कैसे स्टार्ट की थी, ऐसे ही आप भी उनसे सीखें और उसको फॉलो करें. और दीज आर योर करियर ऑप्शंस एंड हाउ यू कैन परस्यू फॉरवर्ड. सो टाइम टू डिसाइड. सो दिस इज़ द राइट टाइम टू डिसाइड. मेक अ डिसीज़न बेस्ड ऑन योर ट्रू हार्ट डिज़ायर. सो जैसे आपका मन करता है, जैसे जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो आप दिल से करते हैं और आप उसमें बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं करते, सो दीज काइंड ऑफ वर्क्स आर गुड फॉर यू. आप उसमें पैशन हो सकता है आपका, मानो एक्टिंग है और आप एक सेलिब्रिटी को आप इंस्पायर हैं आप उनसे, तो आप देखिए उन्होंने कैसे स्टार्ट की थी अपनी चीज़ें और आप उसमें अपने करियर के लिए आगे बढ़े, क्योंकि नई चीज़ें आपके टाइम उसमें आने वाली हैं. और एज पर द आर्टिस्ट, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग कि जो भी आपने सीखी हैं, जो भी आपकी स्किल्स आप सीखेंगे वो आपके करियर में काम आने वाली हैं. एंगेज इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ बेनिफिशियल टू योर करियर एंड एवरी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ. तो आपकी वो काम आएंगी. आप जो भी सीखेंगे, आपने फोटोग्राफी सीखी हुई है तो वो फोटोग्राफी विल वर्क इन योर करियर. इट विल हेल्प. इवन अगर वो एक करियर नहीं बन पाएगी, लेकिन वो एक हॉबी ऐसी है जो आपके करियर में हेल्प करेगी. नाउ द जस्टिस का. योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प. सो हेयर अगर आप अपने किसी लॉ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लॉ
कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या कोर्स ज्वाइन करें, तो उनके लिए एक लॉ बहुत अच्छा वो एक फील्ड है, क्योंकि आप बहुत फेयर हैं और आप एक ऑनेस्ट पर्सन हैं और आप चाहती हैं और चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्प करें, उन फेयर कर रहे हैं और हमेशा दूसरों को प्रोटेक्शन दें, उनको हमेशा उनका हक मिले, राइट मिले। तो आप एक लॉ या कुछ भी ऐसा रिलेटेड, कोई कॉर्पोरेट लीगल्स, एनीथिंग जो भी लीगल से रिलेटेड है, आप उसमें भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपको एंजल्स के मैसेज समझ में आए होंगे, आपको उनकी गाइडेंस मिली है। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और नई गाइडेंस पाने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आप कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है और मैं आपको ज़रूर गाइडेंस दूंगी। आप मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे पोस्ट पे भी कॉमेंट कर सकते हैं और आई विल लव टू हेल्प यू। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल टू चूज़ किया था उनके लिए देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं और एंजल्स का और लाइफ पर्पस से उनके लिए क्या मैसेज है। सो फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप। ओके, सो पहले मैं ये बता दूँ इनका कि ये आपने जो पाइल चूज़ किया है, आप जो एक पर्सन है वो इस टाइम पे ब्रेक टाइम पर है। आप इस टाइम पर चीज़ें ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्टिव नहीं है, जो आपका प्रोफेशन है या फिर आपका जो भी लिविंग है स्टाइल है, आपने उनसे ब्रेक ले लिया है, आपने सब चीज़ें एकदम ड्रॉप दी है, मतलब ड्रॉप कर दी हैं, छोड़ दी हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि आपको अपना रीप्लान करना चाहिए, ये ब्रेक को यूटिलाइज करना चाहिए, वापस से चीज़ों को जैसी जैसी चीज़ें जो जो आपकी प्रायोरिटी हैं उनको प्रायोरिटी वाइज लगाना चाहिए, क्या चीज़ आपको अभी करना चाहिए, क्या आपके टास्क हैं और लॉन्ग टर्म गोल के लिए सोचना चाहिए। तो ये एक मैसेज है आपके लिए कि आप अभी जैसे ब्रेक है, आपके लिए कार्ड भी ब्रेक का आया है, तो आपको अब आगे क्या करना है उसके लिए आपको अभी से चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेना चाहिए और एक मेडिटेशन जैसे मैंने यहाँ पर ये दिख रहा है, तो चीज़ों को सोचना चाहिए कि एक अप्रोच अपनी एक लानी चाहिए कि आपको किस तरीके से अब नया स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके पास ये सब कब्स है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। उससे पहले आपको पहले लेकिन प्लानिंग की ज़रूरत है, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो आपकी प्लानिंग से ही आएंगी, जिस अप्रोच से आप आगे अभी सोचेंगे बढ़ेंगे उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी। ये अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए आपको अभी से प्लानिंग की ज़रूरत है, प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। इकोनॉमी जैसे हमारी चेंज होगी, तो यहाँ इमोशन के साथ आपका ये सब कप है, तो आप एक तो आपके पास जो मैं यहाँ पर पर्सनल ग्राउंड पर बोलूँगी कि आपके पास हो सकता है कि आपके अगर मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं या फिर आप इमोशनली यू वर नॉट हैप्पी, पहले आप खुश नहीं थे, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। साथ में उससे रिलेटेड आपका कोई पैशन से रिलेटेड कोई वर्क रिलेटेड टू जो आपको अच्छा लगता है वो आने वाला है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है, चीज़ें बदल रही हैं, पूरी दुनिया में चीज़ें बदल रही हैं, आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में भी चीज़ें बदलेंगी। इट्स अ गुड एंड पॉजिटिव कार्ड। आपके पास हो सकता है आप सिंगल हैं तो आपके पास एक रिलेशनशिप के लिए आपके पास कुछ होप आए। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, एंजल्स के क्या मैसेज हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। दिस इज फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज सेकेंड कार्ड। यहाँ पर मैं आप बताऊँगी कि आपकी लाइफ जैसे कि चीज़ें बदल रही हैं और आप बिल्कुल ब्रेक और एकदम स्टैंड स्टिल स्टेज में हैं, तो आपको किस किस चीज़ में आप अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट होगा, वो आपका करियर भी हो सकता है या फिर आपको मेंटली और एक हैप्पीनेस देगा, क्योंकि इमोशन का कार्ड है तो समवेयर यू आर नॉट हैप्पी विद योर थिंग्स, जो भी आपकी जो भी डिज़ायरेशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही है और अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके पास। तो कौन सी जगह होंगी जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो हम देखेंगे इन कार्ड से। दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटी जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं विद द गाइडेंस। बैटल्स ऑफ द ब्लू, टेक स्टेप टूवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। ओके,
सो देखिए यहाँ पे वही कार्ड आया है, जो भी आप पुराना सोच रहे हैं, जिस बात को भी लेके आप रुके हुए हैं, जिस बात की वजह से आप रुके हुए हैं, वो चीज़ को अब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बैटल्स ऑफ द ब्लू इट इज़ समथिंग कि जो सैडनेस है आपके अंदर, जो भी आपके अंदर दुख है किसी भी चीज़ को लेके या डिप्रेस है, उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। टेक स्टेप फॉरवर्ड पॉजिटिव चेंज। जैसे ही आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, मैं बता रही थी आपके पास जैसे कि इमोशंस को लेके बहुत कुछ शो हो रहा है, तो इमोशनली आपको जो अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि कोई आपके पास पर्सन आए, या फिर इमोशनली इन एनी वे आप खुश रहने के लिए आप जो भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिली हैं, वो चीज़ आपको आने वाली है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सेम यहाँ पर लिख रहा है टेक स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज, तो आपके पास पॉजिटिव चेंज आने वाला है। यू नीड टू टेक द स्टेप, यू डोंट नीड टू बी स्टैंड स्टिल। अब आपके पास बहुत टाइम हो गया, बहुत ब्रेक है, आप ले चुके हैं, अब आप मूव करिए, अपने इमोशंस को लेके मूव कीजिए, सैडनेस वाले स्टेज में मत रहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं। हो सकता है कि आप मैरिज या फिर आपको एक लाइफ पार्टनर मिले। सेकेंड, सेवन डेडली सिंस, ह्यूमैनिटी डिस्ट्रक्टिव ट्राइड्स। और साथ में ये भी आपके पास कार्ड आया है, दिस इज़ वेरी नाइस कार्ड, कि आपको एंजल्स जो भी गलत चीज़ें हैं दुनिया में, जो भी चीज़ बुरी हैं, जो भी बुरे पाप हैं, उनसे आपको बचाएंगी। तो एंजल्स आपको आपकी इमोशनली जो आपको हैप्पीनेस देगा, उनमें भी हेल्प करने वाली है, उनकी गाइडेंस आ गई है, वो आपके साथ है, साथ में वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। ये जैसे प्रोटेक्ट कर रही हैं आपको जो बुरी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा सा ग्रीडीनेस की तरफ नहीं बढ़ना है, अपने इमोशंस को देखना है, लेकिन मनी को लेके कि या फिर इंटेंशनली कुछ चीज़ें ऐसी नहीं करनी है कि इससे आपका प्रॉफिट हो रहा हो लेकिन किसी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो। ऐसे जो हमारे बुरे बुरे जो कर्मा होते हैं, या फिर हम ईगो या प्राइड, या फिर हम ग्रीडीनेस, या फिर डिस्ट्रक्टिव, जो ऐसे माइंड में जो हमारे ख्याल आते हैं, जो बैड नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, उनको आप हटा दीजिए, नेगेटिविटी को हटा दीजिए। पॉजिटिविटी आपके पास रेडी है, आ रही है, आपको ही खुद स्टेप लेना होगा। सो लेट्स सी नाउ, देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। ऑथर, तो हो सकता है कि जो आप इमोशनली जहाँ पे हैप्पीनेस चाहते हैं वो ऑथर से रिलेटेड हो, मतलब हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर जो है वो अभी राइटिंग स्किल में है, एडिटर है, ऐसे भी हो सकते हैं, या आपका ये वर्क हो सकता है। यू हैव अ बुक इनसाइड ऑफ यू दैट विशेज टू बी एक्सप्रेस, मेक दैट टाइम टू राइट इट। सो अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, या फिर आप कहीं पर कुछ लिखना चाहते हैं, या फिर आप कोई ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, एनी थिंग रिलेटेड टू द थाट्स, यहाँ पे बुक से रिलेटेड नहीं है, दिस मीन्स कि थाट्स, जहाँ अगर आपको अपने थाट्स शेयर करने अच्छा लगता है तो आप उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके जो एक्सप्रेशन होगा, जो आप एक्सप्रेस करेंगे, जो आपके मन के अंदर एक बुक है, जो आपके थॉट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाले हैं आपके करियर या आपकी किसी भी चीज़ को लेकर। ट्रैवलिंग, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व ट्रैवलिंग, तो आपके पास जो बिज़नेस आएगा, या फिर आप जो बिज़नेस में हैं या करियर जो चूज़ करेंगे, उसके अंदर ट्रैवलिंग बहुत होगी। तो हो सकता है कोई ऐसा बिज़नेस हो या टेक्निकली रिलेटेड हो सकता है आप किसी इंजीनियरिंग या फिर टेली कम्युनिकेशन या आई टी डिपार्टमेंट इससे कनेक्टेड हैं, तो इस वजह से ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है। इन अपकमिंग मंथ्स यू विल ट्रैवल एंड दिस विल हेल्प यू। वो जो ट्रैवलिंग होगी, जर्नी होगी, डेस्टिनेशन होगी, वो आपको हेल्प करेगी, वो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी देगी। साथ में बिल्डर, योर इनटेंट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग यू अ डीप सेंस एंकम्प्लिशमेंट। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने हेल्थ पे थोड़ा फोकस कीजिए, आप योगा कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, अपनी डाइट पे फोकस कीजिए, आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपको जो लाइफ पर्पस है, आपके लिए जो लाइफ पर्पस आया वो है आपका ट्रैवलिंग से, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होने वाला है, और साथ में अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और ऑथर जैसे है तो अपने थॉट तो आपको एक्सप्रेस करने होंगे, सिर्फ बैठने से नहीं काम चलने वाला, यू हैव टू वेक अप, स्टैंड अप एंड टेक द स्टेप। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो, आपको कुछ भी सरप्राइजिंग लगा, आपको कुछ भी ऐसा लगा कि जो आपसे कनेक्टेड था, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसी और रीडिंग्स चाहिए। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, आप मुझे DM भी कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, या मुझे किसी भी पोस्ट के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। सो बाय, टेक केयर। सो दिस इज़ पाइल थर्ड, और देखते हैं उनके कार्ड क्या कहते हैं।
रीडिंग करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सो इफ़ यू वॉन्ट एनी हेल्प एनी सपोर्ट, सो आपको कोई भी प्रॉब्लम है अपनी लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, या कोई भी क्वेश्चन या डाउट अपनी लाइफ में, सो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए और आप मुझे मैसेज करिए वहाँ पर, और मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। Ten of Pentacles, very nice, and Knight of Cups. Okay, so as per these cards, मैं आपको बताना चाहूँगी, आप इस टाइम हो सकता है कि आप पूरी एक फैमिली के साथ रह रहे हैं, जहाँ पे आपके पास पैट लवर भी हो सकते हैं आप, और वहाँ पे आपकी पूरी फैमिली रह रही है, ओल्ड पर्सन भी हैं आपके साथ रह रहे हैं, और जो आप फाइनेंस को लेके काफ़ी सोच रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि आपका जो बिजनेस है, हो सकता है कि वो इस टाइम पर थोड़ा सा स्लो हो, या फिर वो लॉकडाउन की वजह से रुक चुका है। लेकिन एज पर टेन ऑफ पेंटिकल्स बताऊंगी कि आपको आगे प्रॉफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जो आपको मैसेज शो हो रहा है वो यही है कि आपको फिनेंशियली बहुत गेन होने वाला है। टेन ऑफ पेंटिकल्स दिस मीन्स कि प्रॉस्पेरिटी आपके पास आने वाली है, और हो सकता है कि इस टाइम यू आर हैप्पी एंड प्रॉस्पर ऑल्सो, सो ऑलरेडी यू आर हैव दिस मच फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से कार्ड आया, तो आपको फिनेंशियल गेन तो पक्का होगा आगे जो अपकमिंग टाइम है। जैसे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ चेंज होने वाला है हमारे ह्यूमन नेचर में, हमारी इकोनॉमी में, तो आपको गेन होगा। नाइट ऑफ कप से मैं बताऊंगी, अगर आप अभी थोड़ा इमोशनली आपको ऐसा लग रहा है कि रुक से गए हैं, या फिर आपकी मैरिड के लिए आप सोच रहे थे, या फिर आप मैरिज के लिए सोच रहे थे, या फिर आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए सोच रहे थे, तो आपके पास अब अपॉर्चुनिटी आने वाली है। यू आर अबाउट टू मूव फॉरवर्ड, आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं, क्योंकि एज पर नाइट ऑफ कप्स यू आर गोइंग, आप अपने अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव करेंगे, आप उनके पास जाएंगे। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड, और इमोशंस के लिए आया है, तो आप जो अपने इमोशनली जो आप इम्बेलेंस हैं, या इमोशनली अगर आपको कोई भी इशू है रिगार्डिंग, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स हर्ट हैं, तो वो चीज़ें क्योर होंगी, वो चीज़ें ठीक होंगी। सो देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपको पास, और एंजल्स क्या चाहती हैं कि आप ये चीज़ करेंगे तो वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सो एंजल्स का मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। और दिस कार्ड विल टेल यू कि आपको किस करियर में बहुत प्रॉफिट होने वाला है, या फिर किस चीज़ की वजह से आपको आगे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे, आपका पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी। तो वो क्या लाइफ पर्पस है, क्या चीज़ें हैं लाइफ में, क्या क्या काम है ऐसे, क्या क्या चीज़ करने के जो सिम्बल्स मिलेंगे, उनसे आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ पा सकते हैं। सो हेयर इज़ योर कार्ड्स। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। मनी, फाइंड अ वे टू अबेंडेंस, सो दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस। जैसे मैंने बताया कि मनी बहुत ज़्यादा आपके उसमें है, फिनेंशियल गेन तो आपको होना ही है, सो यहाँ पर भी मनी को लिखा है। हो सकता है कि आप अभी सोच रहे हैं मनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, तो आपको उसके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स का गाइडेंस यही है, एंजल्स का मैसेज आपके लिए ये है कि दे आर विद यू, they are connected with you, और they will give you a option, they will give you a way, आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा, आपको मनी गेन के लिए आपको मिल जाएगा। फाइंड अ वे टू अबेंडेंस, आपको वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट के लिए आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास मनी को लेके। सो इट्स अ वेरी नाइस एंड गुड मैसेज। सेकेंडली डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी, सो दिस इज ऑल्सो द सेम, यू नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मनी को लेके बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास चीज़ें आ रही हैं। इमोशंस को लेके भी कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्योंकि आप मूव होने वाले हैं, आप बढ़ने वाले हैं अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ। हॉर्स यही सिग्नल देता है कि यू आर गोइंग, हाँ थोड़ा स्लो है,
हो सकता है कि नेक्स्ट 1 or 2 months लगे आपको कनेक्ट होने में, लेकिन एज पर दिस कार्ड हॉर्स रनिंग तो आप आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में डॉल्फिन जैसे आया है, डोंट वरी बी हैप्पी, तो आप खुश रहिए। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि कैसे मैनेज होगा, कैसे सब कुछ चीज़ें होंगी। इन चीज़ों को लेके एंजल्स आर विद यू। नाउ देखते हैं कि लाइफ पर्पस क्या क्या कार्ड्स हैं। टॉक टू योर एंजल्स इंस्टेड ऑफ वरिंग, आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। दैट सेम दिस इज ऑल्सो द मैसेज फॉर यू कि आपको परेशान नहीं होना है, बी हैप्पी। और एंजल्स आपको कह रही हैं बी हैप्पी, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने एंजल्स अपने स्पिरिचुअली कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने जो आपको अच्छा लगता है काम उसको करिए, और एंजल्स आपके साथ हैं और उनसे कनेक्ट होने के लिए आपको खुश रहना है, बस वो कनेक्ट हैं आपके साथ। नेक्स्ट मैसेज, ना डाउन द टीचिंग यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। आप ऐसा कोई स्किल अपना डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप उसमें अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, समथिंग ऑनलाइन ट्यूटोरियल और एनीथिंग, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आया है तो कहीं ना कहीं टीचिंग कहीं ना कहीं आप शेयर करेंगे कुछ ना कुछ। हो सकता है आप किसी की हेल्प करें, किसी को एडवाइस दें, हो सकता है कि आप किसी को कुछ चीज़ नहीं सिखाएं, या हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम में अपना टीचिंग स्टार्ट करें, तो आप टीचिंग का करियर बहुत अच्छा आगे फ्यूचर में इकोनॉमिकली होगा। जिस हिसाब से जो आजकल जो सिनेरियो बदल रहे हैं, टीचिंग करियर फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है ट्यूटोरियल, तो ये एक अच्छा मैसेज है। आप इसमें अपने करियर के लिए सोच सकते हैं। एंड काउंसलिंग, अगेन द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, यू हील विद काइंड वर्ड्स वाइस एडवाइस एंड एम्पैथी। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ आई है कि आप कहीं ना कहीं आप गाइडेंस दे सकते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ सिखा सकते हैं। सो आप काउंसलिंग दे सकते हैं, आप टीचिंग दे सकते हैं, दोनों वर्क आपके साथ आएँ और आपको प्रॉब्लम की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपके अंदर स्किल्स हैं उनसे आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, मनी गेन होगा, डेफिनेटली होगा आपको मनी गेन। एंजल्स आपके साथ हैं, दोनों कार्ड्स आपके यही आएँ, ये दोनों कार्ड सेम आएँ और दे कार्ड आपके सेम आएँ। सो आई होप गाइज आपको ये भी रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या सरप्राइजिंग लगा, और अगर आपको और ऐसी गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।